संसद में कांग्रेस और विपक्षी दलों की वजह से हुए गतिरोध को लेकर मंडी के सांसद रामशरण शर्मा की अगुवाई में मंडी में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक सेरी चाणी में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान सांसद ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों ने संसद का सत्र चलने नहीं दिया, जिससे देश को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की ओर से यह तय किया गया है कि हर संसदीय क्षेत्र मुख्यालय पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जाए। उसी कड़ी में ऐतिहासिक सेरी चाणी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों को हारने का भय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सी योजनाओं से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भयभीत हैं, जिसके चलते संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सारी सड़कें बनकर तैयार हो रही हैं। हिमाचल उड़ान सेवा से भी जुड़ने जा रहा है। इन सभी चीजों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से संसद नहीं चली और देश को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस सब के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी व वाम दल को जिम्मेदार ठहराया। स्वरूप ने कहा कि उपरोक्त इन बातों को जनता के समक्ष लाने के लिए सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है। तो हमने निर्णय लिया था कि हर जिला मुख्यालय में, पार्लियामेंट के मुख्यालय में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जाएगा और आज धरने के माध्यम से हमने जनता के सामने बातें रखी हैं कि ये कांग्रेस का चुनाव से हारने का भय और देश की जनता का जो कार्य हो रहे थे, जो मोदी जी चाहते थे बहुत सी योजनाएं, वो से कार्य जो करके उन योजनाओं से भयभीत कांग्रेस पार्टी हो रखी थी। 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख का, कितनी बड़ी बड़ी योजना लेकर आए, वो घबराहट उनके मन में थी। 2019 तक सारी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी, उनके दिल में भय समाया हुआ था। किसानों की आय दुगुनी की जाएगी, हिमाचल प्रदेश को उड़ान सेवा के साथ लाखों करोड़ों अरबों का बजट जारी करना, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली जाकर जो आग्रह किया है उन सारी बातों को दिल्ली ने स्वीकार किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल की चिंता करते हैं, उस सब का भय आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं को, उन विरोधी दलों को सता रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि देश अरबों के नुकसान में गया। उस सारे नुकसान का जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसकी जिम्मेवार है, और वही कामरेड तो लाल सलाम बोलते हैं, वही इसके जिम्मेवार है जिन्होंने इस पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। आज हम इस धरने के नाते जनता के पक्ष रखने आए थे और वो पक्ष आपने जनता के समक्ष रखा। धरने के दौरान द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर, मंडी जिला भाजपा मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर, प्रदेश बाल कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पायल वैद्य, सदर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष वैद्य, बल मंडल अध्यक्ष हेमपाल राणा सहित कई मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे।